हरिकरगढ़ श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई हत्याकांड के मुख्य आरोपी अफताब का आज पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। ये टेस्ट कल ही होना था लेकिन बताया गया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए पॉलीग्राफ टेस्ट टाल दिया गया। जानकारी के मुताबिक तबीयत ठीक नहीं होने पर अगर उसका टेस्ट होता तो रिपोर्ट प्रभावित हो सकती थी। श्रद्धा की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस ने 2 दिन पहले भी आरोपी अफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट किया था। इस बीच आरोपी से कई सवाल पूछे गए थे। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा चरण आज पूरा हो सकता है। टेस्ट के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। फोरेंसिक टीम को सिर्फ आफताब के पहुंचने का इंतजार है। पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा चरण बुधवार को ही होना था लेकिन आफताब की तबीयत खराब होने की वजह से इसे टाल दिया गया। इससे पहले मंगलवार को पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की गयी थी और इस बीच आफताब करीब 3.5 घंटे तक लैब में रहा था। मंगलवार को आफताब से कई सवाल पूछे गए थे और आज भी आफताब से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट तैयार है। वहीं सूत्र बता रहे हैं कि जिस वक्त आफताब से सवाल पूछे जाएंगे उस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम उस कमरे में मौजूद नहीं रहेगी। उस बीच सिर्फ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, साइकोलॉजिस्ट और फोटोग्राफी से जुड़े लोग ही मौजूद रहेंगे। दिल्ली पुलिस की तरफ से लोगों को पहले से ही सवालों की लिस्ट सौंप दी गई है जो टेस्ट के समय आफताब से पूछे जाएंगे।